नमस्कार दोस्तों हमारे ऑनलाइन ट्यूशन अड्डा चैनल पर आपका स्वागत है दोस्तों आज की इस क्लास में बिल्कुल शुरुआत से से जीरो लेवल आपको आपको इंग्लिश पढ़ना लिखना और बोलना सिखाने वाला हूं कैसे देखिए मैं आपको प्रूफ के साथ दिखाना चाहूंगा इस क्लास में मैं क्या क्या आपको सिखाने वाला हूँ इस मोरल स्टोरी के माध्यम से आपको एक एक वर्ड का वर्ड मीनिंग में बताऊंगा और फिर पूरे सेंटेंस को मैं ट्रांसलेट करके आपको इंग्लिश टू हिंदी ट्रांसलेट करना सिखाऊंगा पहला चीज दूसरा दोस्तों आपको मैं प्रोनाउंसिएशन रूल बताने वाला हूं कि कैसे किस वर्ड को पढ़ा जाता है किस नियम के तहत आप यहां पे यू पी लिखा है तो आप पढ़ेंगे लेकिन वही बगल में आप देखेंगे लिखा पी यू टी तो इसको पट नहीं पढ़ेंगे इसको पुट पढ़ेंगे जबकि इसके जैसा जितने सारे आपको शब्द मिलेगा जैसे सी यू पी N U T C U T B U T इन सभी शब्दों को पढ़कर देखिए C U P कप, N U T नट, C U T कट, B U T बट इसका एक रूल होता है प्रनोनसिशन का एक नियम होता है जैसे दो कॉन्सोनेंट के बीच में यदि U हो हाँ दोस्तों लास्ट में भी कॉन्सोनेंट हो पहले भी कॉन्सोनेंट हो और बीच में यदि यू हो तो यू को अ पढ़ा जाता है क्या पढ़ा जाता जैसे C -U -P, तो कप क देखिए यू को हम लोग पढ़ रहे कप लेकिन अपवाद में यह शब्द है P U T अपवाद में है ये इस रोल को फॉलो नहीं करता है तो बहुत सारे मैं नियम भी आपको बताने वाला हूँ बहुत सारे एक्सेप्शन भी बताने वाला हूँ अपवाद बताने वाला हूँ जिसके सहायता से आप आसानी से इंग्लिश के कैसा भी वर्ड आपको मिलता है आसानी से आप पढ़ पाएंगे और कुछ भी लिखा हो तो उसको हिंदी में ट्रांसलेट करके समझ पाएंगे जैसे यहां पे देखिए लिखा है टी एच ई इसको हम लोग पढ़ेंगे द वी एल यू ए, वैल्यू क्या पढ़ेंगे वैल्यू द वैल्यू ठीक ना वैल्यू ओ एफ ऑफ एम ओ एन ई वाई मनी तो वैल्यू मिस होता है मूल्य क्या होता है मूल्य मनी मिस होता है पैसे या रुपए बोल सकते हैं पैसे यानी पैसे का मूल्य इसका ट्रांसलेटन ट्रांसलेशन क्या होगा इसको इंग्लिश में लिखा इसको हिंदी में हम लोग कैसे ट्रांसलेट करेंगे पैसे का मूल्य कैसे देख लीजिए यहाँ पे इसका ट्रांसलेशन देखिए पैसे का मूल्य ठीक है मूल्य ऐसे ही मैं इतने बड़े स्टोरी को आराम से एक एक करके मैं आपको सिखाने वाला हूं खूब ध्यान से लास्ट तक देखिएगा देखिए लिखा है एट इसका भी एक रूल होता है इसका भी उच्चारण का नियम होता है कि यदि यदि ए स्टार्टिंग में मिले यदि शुरुआत में मिले या जैसे कि यू का मैं रूल बताया हूं कि दो कॉन्सोनेंट के बीच में यू हो तो अ पढ़ते हैं वैसे ही यदि दो कॉन्सोनेंट के बीच में ए हो तो ए को हम लोग आय पढ़ेंगे क्या पढ़ेंगे आय एक को हम लोग क्या पढ़ेंगे आय के रूप में पढ़ेंगे जैसे एग्जाम्पल से समझिए जैसे सी ए पी तो इसको हम लोग कैप पढ़ेंगे क्या पढ़ेंगे कैप यानी ए को हम लोग आय के रूप में पढ़ रहे हैं कैप ए टी एट ए एन एन अन नहीं पढ़ेंगे यहाँ पे एन देख रहे हैं ना एम ए टी मैट एस ए डी सैड एफ ए टी फैट ठीक ना तो इस तरीके से ये रूल होता है ऐसे और भी मैं रूल बताने वाला हूं आसान कर दूंगा मैं आपके लिए इंग्लिश दोस्तों यदि आप लास्ट तक इस क्लास को देखते हैं बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है तो इसको हम पढ़ेंगे बिगनिंग एट द बिगनिंग ऑफ एन ई डब्ल्यू न्यू एस सी एच डबल ओ एल स्कूल वाई ई ए आर ईयर देखिए एक रूल होता है यहां पर एक और मैं रूल बताऊंगा बहुत सारा रूल मैं आपको सिखाने वाला हूं खूब आराम से आप सीखते हैं तो आसानी से आप इंग्लिश सीख जाएंगे यदि ई ए एक साथ ई ए एक साथ किसी भी वर्ड में मिलता है बीच में तो इसको हम लोग ई के रूप में ही पढ़ते हैं इसका भी कुछ अपवाद होता है लेकिन नियम ये सीखिए जैसे वाई ई ए आर तो देखिए ईयर पढ़ते हम लोग कैसे ईयर पढ़ते हैं ना बी ई ए टी बिट एस ई ए टी सिट देखिए ई ए एक साथ में आ रहा है तो ई के रूप में हम लोग पढ़ रहे हैं बिट कैसे ऐसे बिट सिट देखिए देखिए पेन का कलर अलग लेते हैं देखिए सिट तो सिट हम लोग ऐसे पढ़ते हैं लिखते हैं सिट एन ई ए टी निट ठीक ना तो यह भी एक रूल होता है चलिए तो यहां पे लिखा है दोस्तों एट द बिगनिंग ऑफ अ न्यू स्कूल ईयर बिगनिंग मिस होता है शुरुआत अब वर्ड मीनिंग जानिए बिगिनिंग मिस होता है शुरुआत शुरुआत न्यू माने नए क्या हो जाएगा नए स्कूल ईयर यानी देखिए स्कूल मिस होता है विद्यालय या स्कूल भी बोल सकते हैं या विद्यालय ईयर मिस होता है, है वर्ष वर्ष जैसे आप भी कभी पढ़े होंगे या ऐसे सुने भी होंगे स्कूल का एक नया वर्ष होता है जैसे बच्चे पिछले क्लास से उत्तीर्ण होकर अगले क्लास में जाते हैं जिस साल वह सेशन जो होता है नया सेशन होता है नया स्कूल ईयर होता है जैसे यहाँ पे देखेंगे अब इसको हम लोग थोड़ा सा ट्रांसलेट करते हैं यहाँ कॉमा तक एट द बिगिनिंग ऑफ न्यू स्कूल ईयर यानी नए न्यू मीस क्या नए स्कूल वर्ष नए स्कूल वर्ष ऑफ़ मिस हो जाएगा के बिगिनिंग में शुरुआत नए स्कूल वर्ष के शुरुआत में नए स्कूल वर्ष के शुरुआत में क्लास टीचर क्लास टीचर मिस वर्ग शिक्षक होता है मिस हो जाएगा एक एक वर्ग शिक्षक यानी अ क्लास टीचर अप खड़ा हो गए इन फ्रंट मैंने सामने इन फ्रंट मीन क्या होता है सामने इन फ्रंट ऑफ हर एस टी यू डी एन टी एस स्टूडेंट्स इन फ्रंट ऑफ इन फ्रंट ऑफ हर स्टूडेंट्स होल्डिंग एच ओ एल डी आई एन जी होल्डिंग अ हंड्रेड डॉलर देखिए ये डॉलर का चिन्ह है ठीक है डॉलर का चिन्ह है हंड्रेड डॉलर बिल कह है कि अ अ क्लास टीचर एक वर्ग शिक्षक स्टैंड अप खड़े हो गए इन फ्रंट ऑफ हर स्टूडेंट अपने विद्यार्थी के सामने होल्डिंग यानी लिए हुए पकड़े हुए क्या पकड़कर हाथ में कुछ लिए होंगे अ हंड्रेड बिल अ हंड्रेड डॉलर बिल एक सौ रुपए के बिल हाथ में लेकर बच्चों के सामने जो शिक्षक थे वर्ग शिक्षक थे खड़े थे कब स्कूल के शुरुआती वर्ष में ठीक ना नए स्कूल वर्ष में ठीक है सी टेल्स देम, सी टेल्स मतलब हो जाएगा वह यानी जो वर्ग शिक्षक है वह लेडीज है ठीक ना तो सी इसके लिए यूज किया है सी टेल्स देम वह उनसे बोले क्या बोले पुट योर हैंड्स अप If you want this money, उनसे क्या बोले कि put your hands up, अपनी हाथ उठाओ वनी यदि तुम इस पैसे को चाहते हो चाहते हो कि तुम्हें यह पैसा चाहिए तो यह जिसको मतलब यह पैसा चाहिए वो अपने हाथ उठाएगा ऐसे बोला जाता है ना पुट योर हैंड्स अपने हाथ उठाओ मनी यदि तुम इस पैसे को लेना चाहते हो अपना हाथ उठाओ यह वह जो टीचर थी वह बोली क्लास में खड़े होकर बच्चों के सामने ठीक miss इन द रूम गोज every हैंड in the room goes up. मैंने उस रूम में उस जो वर्ग था क्लास था उसमें सभी का हाथ गोज अप उठा हुआ था उस क्लास में सभी अपना अपना हाथ उठाए हुए थे टू विच द टीचर सेज़ आई एम गोइंग टू गिव दिस मनी टू समवन हेयर बट देखिए मिल गया यहां पे बी यू टी बट जैसे ऊपर मैं आपको रूल बताया था ठीक है यू को पे, यहाँ पर अक्रे तो क्रम पड़ेंगे तो पढ़ेंगे ठीक है It आप देख रहे हैं ना चलिए तो कर दिस मनी टू हियर बट फर्स्ट लेट मी डू दिस कर रहा है कि यहाँ पे कर मनी इस पैसे को मैं देना चाहता हूं टू पे है but first let me do this. मैं कुछ करने जा रहा आई एम गोइंग टू गिव दिस मनी मैं तुम्हें ये पैसे दूंगा लेकिन मैं इसके साथ कुछ करने जा रहा हूं उसके बाद उस पैसे के साथ वो क्या करेगा भाई क्या करेगी क्योंकि टीचर है जो वो ले ली जाए सी टेक्स द बिल एंड क्रम्स इट अप इन हर हैंड्स बिफोर आस्किंग हु स्टिल वांट्स इट द हैंड्स स्टे अप देखिए एस टी ए वाई यहां पे देखिए अगर ए वाई एक साथ में रहता है तो ए के रूप में पढ़ा जाता है जैसे स्टे, सी एल ए वाई क्ले पी ए वाई पे देखिए पे फोन हम लोग चलाते हैं ना तो पी ए वाई यानी ए और वाई एक साथ आपको कहीं भी मिल जाए तो उसको आप ए के रूप में ही पढ़ेंगे जैसे एम ए वाई मे ठीक ना एस ए वाई से बी ए वाई बे ऐसे जितने सारे आपको वर्ड मिलेंगे ये भी एक रूल समझ लीजिए तरीका समझ लीजिए तो एक के रूप में पढ़ेंगे घबराना नहीं है ठीक है चलिए इसके आगे हम लोग पढ़ते हैं यहां पे थोड़ा सा दोस्तों हम लोग प्रयास करते हैं पहले इसको प्रोनाउंस करना सीखें पहले पढ़ने आ जाए तो फिर अगले क्लास में ऐसे थोड़े थोड़े आपको ट्रांसलेशन करना मैं सिखा रहा हूँ फिर अगले क्लास में अच्छे से और भी दूसरे स्टोरी में मैं अच्छे से ट्रांसलेट करके सिखा दूंगा चलिए जैसे कि ऊपर मैं ट्रांसलेट किया हूँ उस तरीके से आप प्रयास कीजिएगा प्रैक्टिस कीजिएगा चलिए आगे जितने क्योंकि ज्यादा बड़ा हो जाएगा इसलिए आगे जितने भी है इस स्टोरी में उसको मैं प्रोनाउंसिएशन रूल के सहायता से कुछ रूल मैं आपको सिखाऊंगा और आगे और प्रोनाउंस करना सीखिए द टीचर देन drops द बिल ऑन द फ्लोर stomps, एस टी ओ एम पी एस स्टॉम्प एंड ग्रीड्स इट इंटू द ग्राउंड देखिए ओ यू एक साथ में रहता है कहीं पर भी मिले तो उसको ऊ के रूप में पढ़ेंगे जैसे ग्राउंड अबाउट ए बी ओ यू टी अबाउट ठीक ना सी एल ओ W डी ठीक है स, आ, जैसे मान लीजिए O यू एन टी माउंट तो ये ध्यान देना है ओ यू पर भी थोड़ा सा ये ज्यादा इससे वर्ड नहीं है मतलब कि ये समझ लीजिए चलिए तो यहां से पढ़ते हैं एंड पिक्स इट बैक अप हाउ अबाउट नाउ सी आस्क अगेन ए जी ए आई एन क्या पढ़ेंगे अगेन द हैंड्स स्टे अप Class, आ होप देखिए अगर लास्ट में ई हो और ई के पहले कोई भी कॉन्सोनेंट लेटर हो और उसके पहले यदि ओ हो तो ओ को ओ ही पढ़ेंगे ओ को क्या पढ़ेंगे हम लोग ओ पढ़ेंगे ये रूल होता है जैसे यहां पे देख सकते हैं एच ओ पी होप उसके बाद कुछ और वर्ड देख लीजिए जैसे एम ओ आर ई मोर एस एच ओ आर ई सोर ठीक ना तो इस तरीके से वर्ड होता है जैसे लास्ट में ई हो ई के पहले कॉन्सोनेंट हो और ओ हो तो ओ को हम लोग ओ ही पढ़ेंगे ठीक है चलिए यहां पे देखेंगे तो इसको होप पढ़ेंगे होप यू सी द लेसन हियर इट डिडंट मैटर वाट आई डिड टू दिस मनी यू एस्टील वॉन्टेड इट बिकॉज इट्स वैल्यू स्टेड द सेम एवेन विद इट्स क्रीजेज एंड डर्टिनेस इट्स स्टील वर्द हंड्रेड डॉलर क्या पढ़ेंगे हंड्रेड डॉलर सी कंटिन्यूज इट्स द सेम विद अस दे आर विल बी सिमिलर टाइम्स इन योर लाइफ वेन यू आर ड्रॉप्ड ब्रिस्ड एंड मडेड येट नो मैटर वॉट हैपेंस यू नेवर लॉस योर वैल्यू भी ए एल यू क्या पढ़ेंगे वैल्यू अच्छा वी ए एन यू ई रहता है. तो क्या पढ़ते वैन्यू ठीक है मोरल ऑफ द स्टोरी इस स्टोरी का मोरल क्या है यहां से हम पढ़ते हैं लाइफ हार्डशिप सॉरी एस है तो हार्डशिप्स आर इनेविटेबल आई एन ई वी आई टी ए बी एल ई तो टी ए बी एल ई क्या टेबल इनेविटेबल क्या पढ़ेंगे इनेविटेबल एंड वेल सॉरी इसको ऐसे डायरेक्ट हम लोग वेल पढ़ेंगे लेकिन वी विल हो जाएगा ऑल बी पुट थ्रू अच्छा यहाँ पे देखिए अगर टी एच ओ यू जी एच रहता तो इसको दाऊ पढ़ते ठीक ना तो जी एच साइलेंट रहता है यदि लास्ट में किसी भी वर्ड में जी एच आता है तो जी एच साइलेंट रहता है अगर वहीं जी एच के साथ टी लग जाता तो इसको टॉ के रूप में वहां पर भी पढ़ते हैं वहां भी जी एच साइलेंट रहता है जैसे देखिए एच ओ यू जी एस टी तो जी एच साइलेंट हो जाता है कैसे इसको थॉट बी आर ओ यू जी एस टी तो देखिए जी एच साइलेंट हो जाएगा क्या पढ़ेंगे ब्रॉट यानी यदि या किसी भी वर्ड में इस प्रकार के वर्ड में लास्ट में या टी के पहले जी एच आता है तो जी एच का प्रोनाउंसिएशन नहीं होता है यह भी एक रूल है ठीक है often थ्रू नो फॉल्ट ऑफ और ऑन डोंट लेट दिज चैलेंज अल्टर योर फीलिंग्स ऑफ सेल्फ वर्थ यू विल ऑलवेज बी इनऑफ देखिए यहां पर भी मिला एनओ यू जी एच तो इनो पढ़ेंगे ठीक है यू हैव समथिंग यूनिक एंड स्पेशल टू गिव एंड ऑफर द वर्ल्ड तो दोस्तों बहुत सारे लगभग चार पांच में आपको नियम इसमें बताया हूं जो बिल्कुल सटीक है और हमेशा आपको यूज में आने वाला है तो दोस्तों इस तरीका से यदि आप छोटे छोटे स्टोरी पर प्रैक्टिस करते हैं सीखते हैं तो आपको ट्रांसलेशन भी करने आ जाएगा जैसे लगभग आधे स्टोरी को मैं ट्रांसलेट भी करके वर्ड मीनिंग के साथ सिखाया हूँ प्रोनाउंसेशन रूल के चलते मैं बहुत सारा थोड़ा सा ट्रांसलेट नहीं कर किया हूँ लेकिन नियम आपको मैं सिखाया हूँ तो दोस्तों यह क्लास आपको कैसा लगा कमेंट में जरूर बताइए वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक कर दीजिएगा चैनल पे पहली बार या पुराने हैं सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिएगा तो चलिए दोस्तों आज क्लास पे एंड करते हैं मिलते अगले हैं क्लास में जय हिंद